पवित्रपदे केशवाय नमः माधवाय नमः गोविंदाय नमः ऋषिकेशाय नमः केशवाय नमः माधवाय नमः गोविंदाय नमः जी सर बताइए। दीक्षा मां प्रोदी दीक्षा मां प्रोदी दक्षिणां दक्षिणां श्रद्धा मां प्रोदी श्रद्धया सत्यम आप्यते हरे देवा लक्ष्मी पदे देवं देवलनम सत्यम बृहदातु। अच्छा हाँ जी हाँ जी पहुँच गए। मैं डाल रहा हूँ ब्रेकिंग, बस शॉट लगाए हुए हैं। लाइव का मुश्किल है, मोबाइल से कैसे लाइव करेंगे सर, मुश्किल हो जाएगा ना मेरे लिए। मोबाइल से पीसी कैसे लाइव करेंगे सर, मुश्किल है। रिकॉर्डेड भेज दूँगा। बंटी भाई क्या थोड़ा पीछे जाओ यार, फ्रेम में आ रहे हो। बंटी भाई थोड़ा पीछे फ्रेम में आ रहे हो। बोल साचे दरबार की मोबाइल पीछे करना पड़ता है भाई, मोबाइल पीछे कर रहा है यार, हिलाओ मत नीचे करिए भाई। यार मोबाइल थोड़ा पीछे कर दो, मोबाइल नीचे कर ले। इसीलिए और संयोग पहला नवरात्रा है, पहले नवरात्र पर इस प्रकार का एक बहुत तो खुशी का एक जिसको कि महत्व का एक काम हुआ है। अग्रसेन जयंती आज अग्रसेन जयंती महाराजा अग्रसेन जी की जयंती का दिन है और ये दिन इस मायने में बहुत शुभ है। और वैसे भी हमने उस पूरे क्षेत्र को विकसित करने की दृष्टि से पहले ही हमारे मन में कई विचार, खास करके अग्रवाल समाज की ओर से कई सुझाव आए। उसको आगे बढ़ाने के लिए हमने पहले से योजना बना रखी है। आपको पता है कि हिसार का जो एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट का नाम भी हमने महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट रखा था। क्या वो जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को आगे चल करके पूरे देश और दुनिया के अग्रवाल समाज का एक केंद्र, एक आर्थिक आस्था का स्थान, एक टूरिज्म का भी स्थान, वो विकसित हो। हरियाणा वैसे तो ये माना जाता है कि पुरातत्व की दृष्टि से एक भले छोटा राज्य है, लेकिन जितनी पुरातत्व से जुड़ी हुई साइट्स हैं वो हरियाणा में, अगर मैं कहूँ किसी प्रदेश के हिसाब से, तो सर्वाधिक 100 से ज़्यादा साइट्स तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको, यानी अपना एक जिसको कहना चाहिए, उसको उस श्रेणी में डाल रखा है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। और ऐसे ऐसे स्थान हैं जिसकी हमें जानकारी पहले नहीं थी, लेकिन अब जानकारी मिल रही है। जैसे उदाहरण के तौर पर रोहतक जिले का परमाणा, ये परमाणा गाँव एक ऐतिहासिक गाँव है। इसी प्रकार भिवानी जिले का मीताथल, कैथल जिले का बालू, फतेहाबाद जिले का बनावाली, और इससे पहले जितने, यानी रोहतक का जो है कोल, पोखरा कोल, राखी गढ़ी तो उनको ध्यान में है ही है, कुरुक्षेत्र मैदान में है ही है, वो बुद्धों के स्थान। यमुनानगर जिले में बुद्धों के बहुत स्थान हैं। तो ऐसे 100 से ज्यादा इन स्थानों को और एक प्रकार से पहचान की गई है। और हरियाणा में इसका ज्यादा से ज्यादा विकास हो केंद्र सरकार ने कहा कि इसके लिए पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, वो उनको पैसा भी उपलब्ध। मित्रों, आज जैसा हमको मालूम है कि प्रथम नवरात्रा है। इस अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और माँ रानी से प्रार्थना करता हूँ कि हम सबका जीवन जो है अगला वर्ष ये खुशहाल बने, सबके जीवन में रंग भरे और हम सब अपने काम को समाज और देश सेवा के रूप में अच्छे प्रकार से कर सकें। मित्रों, आज का ये अवसर जिसके लिए आप लोग सब लोगों को बुलाया बताया गया है, एक विशेष एक सूचना उसके लिए मैंने आपको बुलाया है। हम जानते हैं कि अपने प्रदेश में अग्रोहा धाम इसका अपना एक विशेष इतिहास है, विशेष स्थान है, विशेष इसका एक सांस्कृतिक महत्व है। और यहाँ का इतिहास जो लोग जानते हैं उनको मालूम है कि यहाँ एक पुरातत्व के नाते से बहुत पुराना ये जो स्थान है, इस स्थान की अगर इतिहास देखा जाए तो चौथी शताब्दी से इसका इतिहास है। चौथी शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक लगभग 1100 वर्ष तक वो स्थान अपने विकसित रूप में उस समय था और एक बड़ा व्यापार का केंद्र था। उस स्थान के बारे में कहा जाता है कि महाराजा अग्रसेन की वो राजधानी रही है और ये माने के इस स्थान को एक एक ऐतिहासिक इसलिए महत्व है कि जो हमारा व्यापार था इस देश का वो मथुरा में या तो उसका केंद्र माना जाता था या तक्षशिला में केंद्र माना जाता था। मथुरा से तक्षशिला, तक्षशिला से मथुरा, ये जब व्यापारी आते जाते थे उस समय के साधन आज की तरह नहीं थे, पैदलों के साधन, घोड़े के साधन, बैलगाड़ियों के साधन ये सब हुआ करते थे। वहाँ एक म्यूजियम भी बनाया गया, कम इंटरसेप्शन सेंटर, जिस पर बहुत लोग जा करके उसका अध्ययन भी कर सकेंगे क्योंकि इतिहास का अध्ययन करने वाले ऐसे बहुत लोग हैं दुनिया में जो ऐसी प्राचीन चीज़ों को आज भी उसका सर्वे करते हैं, उसका रिसर्च करते हैं, अध्ययन करते हैं कि आखिर मानवता, मानव जाति का जो एक क्रम है विकास का कब शुरू हुआ, कहाँ शुरू हुआ, किस इलाके में, किस जगह पर इसके प्राचीन जो ऐसे मिलते हैं अवशेष, तो उसके लिए नाते पढ़ाई के नाते भी बहुत से लोग और इसमें चलते हैं। एक और जानकारी मुझे आज ही मिली है जो आपको साझा करना जरूरी है कि उस समय हिसार का नाम था हिसार फिरोजा और फिरोज शाह तुगलक ने एक छोटी बस्ती उसमें बसाई थी। ये 1351 और 1388 के बीच में आप संयोग ऐसा हुआ कि उसी समय में वहाँ कुछ जो अग्रसेन ये जो अग्रोहा धाम था वहाँ पर कुछ भूकंप आए होंगे, कुछ वहाँ चीज़ें दबी होंगी, कुछ वहाँ चीज़ों को शायद हो सकता है मुगलों के काल में उनको जानबूझ के भी नष्ट किया हो। ऐसा भी इतिहास में मिलता है कि भारतीय संस्कृति को कैसे नष्ट किया जाए और नए नाते से इस नाते से बसाया जाए। तो हिसार की जो छोटी बस्ती उसी समय बसी थी और उसके बाद धीरे धीरे हिसार थोड़ा सा विकसित ज़्यादा होता गया, अग्रोहा की तरफ ध्यान नहीं दिया और अग्रोहा लेकिन अब जो है उसी लेवल पर आएगा। और आज तो क्योंकि विकास इस नाते से बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है, अब हिसार और अग्रोहा में वैसे भी अंतर बहुत ज़्यादा नहीं है, दूरी तो मात्र 20 किलोमीटर वैसे है। अब तो जो आगे फैलाव हिसार का होते होते वो 15-16 किलोमीटर रह गई है। उस पूरे क्षेत्र को एक अच्छा विकसित एक शहर बनाने की योजना भी आगे चल करके है। हम लोग हरियाणा में विशेष तौर पर जो हमारे ऐतिहासिक स्थल हैं उनका विकास और जो हमारे संत महापुरुष हैं उनके बारे में भी हमेशा विचार करते रहते हैं। जैसे हमने संत महापुरुषों की एक विशेष योजना बनाई है, संत महापुरुष विचार प्रचार प्रसार योजना। उनके सम्मान के नाते कितने ही संतों राजकीय स्तर के ऊपर हमने उनकी जयंतियाँ ये सब मनाई हैं। तो एक प्रकार का हरियाणा सरकार का जो इन सालों का जो महत्व इस बात से भी हम देख रहे हैं कि हरियाणा कोई आज की भूमि नहीं है, महाभारत से पहले काल में भी हरियाणा का और उल्लेख उस समय आता है, लोग तो कहते हैं वेदों में भी इसका उल्लेख आता है। तो हरियाणा का अपना भविष्य यानी हमारे अतीत जो स्वर्णिम अतीत है उसी के ऊपर हमारे भविष्य की नींव खड़ी हो और एक विकसित हरियाणा, एक धाकड़ हरियाणा ये आगे बने, यही बात आप तक